Hello everyone, welcome again to my channel Dear English Decoder, myself Vikas Sinha. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में. आप आसानी से समझ जाएंगे. इसमें पूरा फोकस जो इस वीडियो में पूरा फोकस जो है वो सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड सेंटेंस को ट्रांसलेट करने पर है. इसमें रूल्स और रेगुलेशन को नहीं बताया गया है. अगर इसके रूल्स और रेगुलेशन को आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो सिंपल प्रेजेंट पे बेस्ट मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. यदि आप चाहें तो उसको जाके आप देख सकते हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक और शेयर भी कीजिए जिसे बाकी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिले. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. लेकिन क्या है कि ये चारों पार्ट को आपको समझ में आना चाहिए, पहचाना आना चाहिए. इसका अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं ताकि आप इस वीडियो को और अच्छे से समझ सकें. अब देखिए, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1, इसमें एस और ES भी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट. अब V1 मतलब कोई भी बेस वर्ब. आई, वी, यू, दे और प्लूरल वर्ड्स के साथ V1 लगाते हैं. ही, शी, इट या कोई भी नाम हो उसके साथ V1 में एस या ES लगाते हैं. एस लगाते हैं किसमें? जिस वर्ब में ओ ना हो, जैसे गो में गोज, प्ले में प्लेज. ओ वाले वर्ड में ES लगाएंगे और ओ जिसमें नहीं उसमें एस लगाएंगे. और इन वर्ड्स के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो डू है. इन वर्ड्स के साथ हेल्पिंग वर्ब डज है. अब डू और डज इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि डू और डज के बिना नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता. अब अफर्मेटिव का जान गए, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट तो सेम रहेगा. अब नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज में कोई एक लगाएंगे. अब डू कहाँ और डज कहाँ, जो मैंने यहाँ बता दिया है. उसके बाद नॉट लगेगा, देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सिर्फ डू और डज को क्या करना है यहाँ, है ना, सब्जेक्ट डू डज. इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले डू या डज को लगा देना है, उसके बाद V1 एंड देन ऑब्जेक्ट. ये है यस नो क्वेश्चन के लिए. अब अगर हम बात करें WH वर्ड, जैसे when, why, where, WH फैमिली, अगर वो रहे तो बस डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट के पहले सिर्फ WH को लगा देंगे, यानी ये वाले स्ट्रक्चर में WH वर्ड को सिर्फ ऐड कर देंगे. अब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू या डज तो होगा प्लस सब्जेक्ट, और इसमें नेगेटिव होने की वजह से नॉट भी लगाएंगे, और डू डज के बाद हमेशा V1 का यूज़ होता है प्लस ऑब्जेक्ट. अब वही बात है WH फैमिली के साथ भी, वही केस है. सब कुछ तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें सिर्फ WH वर्ड को यूज़ कर देना है इस स्ट्रक्चर के पहले. अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, ट्रांसलेट करना आ जाएगा. मैं खाना खाता हूँ. अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो आई. उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या मैंने बताया था स्ट्रक्चर? V1 यानी कि वर्ब. तो मैं खाना खाता हूँ, इसमें एक्शन वर्ड कौन है? खाना. खाना तो फूड हो गया. खाता हूँ यानी खाता हूँ, यानी कि वर्ब हो गया ईट. तो आई के साथ मैंने क्या बताया है? आई के साथ V1, आई ईट फूड. ये है अफर्मेटिव या पॉजिटिव. मैं खाना नहीं खाता हूँ तो आई तो रहेगा ही सब्जेक्ट. अब देखिए नेगेटिव बनाने के लिए मैंने बोला था डू नॉट या डज नॉट होगा, तो आई के साथ मैंने ऊपर में बताया है कि डू का यूज़ करेंगे. तो आई डू नॉट या डू नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं डोंट, दोनों राइट है. आई डू नॉट या आई डोंट ईट फूड, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस. अब है क्या मैं खाना खाता हूँ,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने बोला था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज को हम सब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं, तो आई के लिए डू आया, डू आई, अब डू डज के बाद तो वी वन होता है, तो डू आई ईट फूड, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये देखिए यस नो क्वेश्चन है, यानी जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जा सके, तो क्या मैं खाना खाता हूँ, तो इसका जवाब क्या है, यस या नो। लेकिन अब है मैं क्या खाता हूँ, अब ये सवाल है, यस नो में जवाब नहीं दिया जा सकता, मैं क्या खाता हूँ ये बोलना पड़ेगा कि क्या, तो वैसे में हमें डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ करना होगा, तो मैं क्या खाता हूँ इसके लिए क्या है, वॉट, वॉट लग गया डब्ल्यू एच वर्ड, और बाकी डू आई ईट जो कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन के लिए है। अब है क्या मैं नहीं खाना खाता हूँ, यानी ये इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव है, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, तो इंट्रोगेटिव है यानी सब्जेक्ट के पहले डू लगेगा, डू आई, और निगेटिव है तो नॉट भी लगेगा, तो डू आई नॉट ईट फूड। और कॉन्ट्रैक्शन अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम क्या करेंगे, नॉट को सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे, तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, डू आई नॉट बोलें या डोंट आई ईट फूड, ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह चलता है, अब वह चलता है तो सब्जेक्ट कौन हो गया, वह, तो ही, चलने का इंग्लिश क्या होता है, वॉक। और अब मैंने बताया है कि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ वी वन और बाकी के साथ एस आई एस लगाएंगे, तो वह ही के साथ वॉक का एस लगेगा, वॉक्स, ही वॉक्स, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। वह नहीं चलता है, अब निगेटिव बनाने के लिए क्या है, मैंने बताया है डू या डज का यूज करेंगे और उसमें नॉट लगाएंगे, तो ही के साथ डज का यूज करेंगे, तो ही डज नॉट या कॉन्ट्रैक्शन में ही डजंट वॉक। अब देखिए यहाँ पे वॉक का वॉक्स था, लेकिन यहाँ वॉक क्यों हो गया, क्योंकि डू या डज लग जाने के बाद वर्ब हमेशा बेस होता है, यानी वी वन, एस उसमें से हट जाता है। अब है क्या वह चलता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन है, तो इसमें लिए क्या हम करते हैं, सब्जेक्ट के पहले डू या डज, तो ही के लिए तो डज होता है, तो डज ही वॉक, एस हट गया क्योंकि डज आ रहा है। अब है वह कब चलता है, अब देखिए वह कब चलता है का जवाब यस नो में नहीं दे सकते हैं, इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यानी कब का इंग्लिश क्या होता है, वेन, और डज ही वॉक तो मैंने बताया था, तो सेम टू सेम, सिर्फ उसके पहले क्या लग गया, डब्ल्यू एच वर्ड। अब है क्या वह नहीं चलता है, अब क्या वह नहीं चलता है क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव है तो डज ही तो चलेगा ही, और निगेटिव भी है तो नॉट होगा, तो डज ही नॉट वॉक। और कॉन्ट्रैक्शन में अगर हमें यूज करना हो तो नॉट को हम सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं और तब कॉन्ट्रैक्शन लिखना पड़ेगा, डजंट ही वॉक, डज ही नॉट वॉक या डजंट ही वॉक। अब है वह क्यों नहीं चलता है, अब इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव के साथ डब्ल्यू एच वर्ड भी होना चाहिए, क्यों का इंग्लिश होता है वाई, और डजंट ही वॉक तो मैंने यहाँ लिखा है, तो वाई डजंट ही वॉक, वॉक क्यों नहीं चलता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वे गाना गाते हैं, तो वे सब्जेक्ट कौन हो गया, दे, है ना, फिर वॉक क्या हो गया, गाने का इंग्लिश सिंग, दे सिंग, अब यहाँ वी वन होगा क्योंकि दे प्लूरल वर्ड है, आई वी यू दे और प्लूरल वर्ड के साथ वी वन का यूज करते हैं, दे सिंग, और जो सॉन्ग नाउन के रूप में सॉन्ग, और वे प्लूरल हैं यानी एक से ज़्यादा गाना गा सकते हैं, तो सॉन्ग का सॉन्ग्स, ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव क्या है, वे गाना नहीं गाते हैं, तो दे सब्जेक्ट हो गया, अब निगेटिव के लिए हमें डू या डज मेक को यूज़ करना है, तो दे के लिए तो डू का यूज़ मैंने बता दिया है, तो डू नॉट या कॉन्ट्रैक्शन में डोंट, दे डू नॉट सिंग सॉन्ग्स या दे डोंट सिंग सॉन्ग्स, निगेटिव सेंटेंस। अब है क्या वे गाना गाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी यस नो क्वेश्चन, जवाब यस या नो में दिया जा सके, क्या वे गाना गाते हैं, तो यस या नो। तो अब
इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं हम, डू या डज को सब्जेक्ट के पहले यूज कर देते हैं। डू दे, अब डू आ गया तो वी वन ही होना है। डू दे सिंग सॉन्ग्स, अब है वे क्यों गाना गाते हैं। अब इसका जवाब यस और नो में नहीं दे सकते हैं, बोलना पड़ेगा क्यों, रीजन देना पड़ेगा, यानी डब्ल्यू एच वर्ड चाहिए। तो वाई, वाई लग गया। अब देखिए डू दे सिंग सॉन्ग तो सेम है, सिर्फ वाई लगा दिए तो ये बन गया इंट्रोगेटिव, जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, इसलिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अब है क्या वे गाना नहीं गाते हैं, यानी इंट्रोगेटिव भी है और नॉट लगा तो निगेटिव भी है, तो हम इसको बोलेंगे डू दे नॉट सिंग सॉन्ग्स, या कॉन्ट्रैक्शन में नॉट सब्जेक्ट के पहले लाते हैं तो डू नॉट बन गया कॉन्ट्रैक्शन डोंट, डोंट दे सिंग सॉन्ग्स, ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी डब्ल्यू एच वर्ड हम यूज कर सकते हैं, वे क्यों नहीं गाना गाते हैं, यानी रीजन बताना पड़ेगा क्यों, यानी डब्ल्यू एच वर्ड क्यों का इंग्लिश होता है वाई, और बाकी ऊपर मैंने बता दिया है डू दे नॉट सिंग सॉन्ग्स या डोंट दे सिंग सॉन्ग्स, सिर्फ हमें क्या करना है डब्ल्यू एच वर्ड को यूज कर देना है। वाई डू दे नॉट सिंग सॉन्ग, देखिए वाई डू दे नॉट सिंग सॉन्ग्स या वाई डोंट दे सिंग सॉन्ग्स, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड का हम यूज कर देंगे, बाकी सब कुछ यस नो वाला ही स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम पढ़ते हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया यू, यू अब यू के साथ भी बनाता है, यू रीड अफर्मेटिव या पॉजिटिव, तुम नहीं पढ़ते हो निगेटिव है तो यू के साथ डू आता है तो यू डू नॉट या डोंट रीड निगेटिव सेंटेंस, क्या क्या तुम पढ़ते हो इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव में हम लोग डू या डज को सब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं तो डू यू रीड इंट्रोगेटिव यानी यस नो क्वेश्चन। अब है तुम क्या पढ़ते हो, अब इसका जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता, यह है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे डू यू रीड यहाँ भी है, सिर्फ हमने क्या किया कि डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि वॉट को यहाँ पे यूज कर दिया। अब है क्या तुम नहीं पढ़ते हो इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव है तो डू सब्जेक्ट के पहले आया और निगेटिव है तो नॉट भी आया, तो डू यू नॉट रीड या कॉन्ट्रैक्शन में डोंट यू रीड, ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब है तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, अब है डू यू नॉट रीड टू पर हमने बताया है डू यू नॉट रीड या डोंट यू रीड, सिर्फ देखिए डब्ल्यू एच वर्ड लग गया, क्यों का इंग्लिश होता है वाई, वाई डू यू नॉट रीड या वाई डोंट यू रीड। लास्ट सेंटेंस देखिए, हम लोग स्कूल जाते हैं, सब्जेक्ट हो गया वी, जाना का इंग्लिश हो गया गो, वी के साथ भी वन लगता है, वी गो ये प्रीपोजिशन है टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, ये हो गया अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, अब देखिए निगेटिव आ रहा है तो डू या डज में ही कोई एक आएगा है ना, तो डू या डज में वी के साथ तो डू होता है, वी डू नॉट या वी डोंट गो टू स्कूल, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। क्या हम लोग स्कूल जाते हैं इंट्रोगेटिव है तो डू या डज को हम सब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं तो डू वी गो टू स्कूल, ये हो गया यस नो क्वेश्चन, जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सके है ना। हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं, अब देखिए इसका जवाब हमें यस नो में नहीं मिलेगा, हमें बताना पड़ेगा क्यों। अब इसके लिए क्या हुआ, डब्ल्यू एच वर्ड यूज हो गया वाई, बाकी डू वी गो टू स्कूल सेम है, डू वी गो टू स्कूल, सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड को हमने यूज कर दिया, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच क्वेश्चन का। क्या हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने न लिख दिया है, क्या हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं तो डू वी नॉट गो टू स्कूल, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो डू पहले आया फिर वी फिर नॉट गो टू स्कूल या कॉन्ट्रैक्शन डोंट वी गो टू स्कूल, ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब आगे है हम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, अब इसका जवाब यस नो में नहीं दिया जा सकता है ना, हम लोग सिर्फ क्यों नहीं जाते, रीजन बताना पड़ेगा, और क्यों डब्ल्यू एच वर्ड है तो देखिए डू वी नॉट गो टू स्कूल यहाँ पे था, अब डू वी नॉट गो टू स्कूल यहाँ भी है, सिर्फ हमने क्या किया कि डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि वाई का यूज कर दिया, क्योंकि क्यों का इंग्लिश वाई होता है, तो वाई डू वी नॉट गो टू स्कूल या वाई डोंट वी गो टू स्कूल। अगर आपको कोई तरह का भी डाउट हो तो इस
वीडियो को आप रिपीट करके देखें, इससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं भी मोटिवेशन मुझे मिले और मैं आगे भी इस तरह का वीडियो लाता रहूं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू।